बिल्कुल सही कहा आपने। जस्ट इट्स ओके। ओके मारिया। एक्सक्यूज मी। यस सर। मारिया या तुमने जो सिंगर अरेंज किया है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना है। पता नहीं वो कैसा गाता होगा। हम इस शादी पर 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखो ये मेरी इकलौती बेटी की शादी है। सोनू निगम या श्रेया घोषाल को अरेंज करना चाहिए था ना, उसकी जगह तुमने ये क्या नाम है इसका, वो हाँ जॉन क्लिम्फ। श्रेया घोषाल ग्रेट सिंगर्स हैं सर, पर दे आर टू फैमिलियर टू द क्राउड, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ही इज अ मल्लू, पक्का मल्लू है ये जॉन क्लिम्फ। बॉब मार्ली के क्रेज की वजह से जब 20 साल का था तब जमैका चला गया था ये। एक बार ये म्यूजिशियन आ गया ना सर, पार्टी में धूम मच जाएगी। थैंक यू। नाउ ही इज बैक इन इंडिया आफ्टर 30 इयर्स। यहाँ आकर पहली बार गाने वाला है, वो भी हमारे लिए। ट्रस्ट मी सर, जॉन क्लिम्फ इज गोना रॉक टुनाइट। रागा और इंडियन म्यूजिक मिक्स करके फ्यूजन, दैट टू विद मलयालम लिरिक्स, ये उसका वादा है सर। चाहे कोई भी फ्यूजन हो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके सर, आई विल डू। मेरी बेटी का ससुर एक बहुत बड़ा बिलेनियर है, NRI है, पर अंदर से अभी भी पुराने विचार वाला। दहेज उसे कैश में ही चाहिए और वो भी आज ही। एक काम करो, तुम स्ट्रॉन्ग रूम से पैसे निकाल कर अपने कमरे में रखो। भाई जी, आपने जैसा सोचा था वैसे ही टॉम क्रीन ने इस घटना का केस नहीं किया, और दहेज देना भी एक ऑफेंस है ना, और कैश का सोर्स भी नहीं है, और शर्मिंदा भी होना पड़ा। पर मारिया वो तो फंस गई, रॉबरी का किंग पिन वो है, तो सो उसका तो चैप्टर क्लोज। एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और 14 यूट्यूब लिंक के आगे जॉन क्लिम की हिस्ट्री ना ढूंढना मारिया की गलती है। लेट हर पे फॉर इट। जावेद, तुम्हारा शेयर 10 करोड़ इसमें। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए टाइम पर पैसा देने वाले सिर्फ आप ही हो भाई जी। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे हमें फायदा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं कभी भी किसी का हक नहीं मारता, ये मेरा उसूल है। भाई जी, आपके बोले बिना मैंने एक काम किया। डोंट बी एंग्री विथ मी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और अब तक मैंने जो भी काम किया वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता। मैं उस आदमी को बुलाऊं क्या?
दिस इज हाय आई एम निखिल अथर्वा बट यू कैन कॉल मी निक्की एंड यू आर मिस्टर यू कैन कॉल मी एनीथिंग मेरे बहुत सारे नाम हैं बहुत सारे चेहरे हैं इंटरेस्टिंग तुम्हारे बारे में जावेद ने बहुत कुछ बताया आई एम इम्प्रेस्ड बट आई एम नॉट जावेद आप इन्हें बता दो कि मैं यहां पर क्यों आया हूं भाई जी आप हमेशा बोलते थे ना कि एक लास्ट एंड फाइनल डील के बारे में उसके बाद में सब छोड़ दूंगा दिस इज इट यह है केरला की आदित्यपुरम की हवेली बहुत साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा और खून खराबा हुआ था उसकी वजह से हवेली के गर्भगृह को बंद कर दिया गया था उसके अंदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स और महंगे पत्थरों का अभूतपूर्व कलेक्शन है जिसकी कीमत आज के बाजार में कम से कम करोड़ों की है ये है उस खजाने के वारिस रविंद्र वर्मा के बच्चे वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा महेंद्र वर्मा के बच्चे शेखर वर्मा और राजशेखर वर्मा वासुदेव वर्मा के बच्चे त्रिविक्रम वर्मा और प्रताप वर्मा श्री कृष्ण वर्मा की इकलौती बेटी दामिनी वर्मा शेखर वर्मा का एक ही बेटा है सुधाकर वर्मा राजशेखर वर्मा के बच्चे हैं रुक्मिणी और गौरी दीज पीपल आर रिच इन्फ्लुएंशियल एंड टफ जब गर्भगृह खुलने का टाइम आया तब किसी ने नहीं सोचा था कि सरप्राइज मिलेगा आने दो उस गर्भगृह को खोलने का टाइम और डेट डिसाइड करने से पहले ए वकील मैंने कोर्ट से स्टे मांगा है स्टे किस लिए उसके अंदर का खजाना राजा की प्रॉपर्टी नहीं है वो जनता का है ऐसा मेरा इंटेंशन है जब उनका राज्य था तो उन्होंने लगान लिया लड़ाई जीती और साथ में विदेशों के साथ व्यापार करके उन्होंने जो भी सोना और पैसा इकट्ठा किया है आज उसे हमारे जैसे लोग बंटवारा करना चाहते ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बाद ही खजाने का बंटवारा किया जाएगा राजशेखर तुम्हारी जबरदस्ती यहाँ नहीं चलेगी इतने सालों से हम यहाँ ये गर्भगृह खुलने का इंतजार कर रहे हैं अब तुम मर्चेंट डालने की कोशिश करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे भाई को तुमने जिस तलवार से काटा था वो तुमने अभी भी कमरे में सजा कर रखी ये बात मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अगर कोई बुरा ख्याल है तो उसे भूल जाओ मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ मेरा भाई शेखर वर्मा शांति की मूर्ति हो सकता है लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना तुम एक दो तीन कितने भी लोग मेरे सामने आ जाएं, उनका जवाब देने के लिए मैं ही काफी हूँ मुझे मत डराना राजशेखर हमारे पिताजी ने जो कहा है तू उसके खिलाफ जा रहा है हम दोनों की सोच और विश्वास अलग अलग है मुझे माफ कर देना भाई कोर्ट का स्टे अभी भी इफेक्टिव है और खजाना सेलार में है उसे तुम चोरी करोगे कब करोगे कैसे करोगे दैट्स योर कॉल और हमारे बीच का टर्म पूरे माल का 20% दूंगा इन कैश मैं सिर्फ भगवान के साथ ही हिस्सेदारी का डील करता हूं आधा मेरा आधा उनका पर मेरा भगवान मैं खुद हूं इसलिए वो आधा भी मेरा दैट मेक्स इट 100% प्लीज अंडरस्टैंड इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है एंड अननोन एंटिटी कम ऑन बी रीजनेबल यार व्हाट्स योर पार्ट देन आई एम अ हमल ट्रेडर मैं किसी के लिए भी कुछ भी बेच सकता हूं मैं रास्ते के व्यापारियों के साथ बिजनेस नहीं करता मेरी प्राइस है 500 करोड़ और उसमें कोई भी मोल भाव करने की जरूरत नहीं है उसमें से 250 करोड़ मुझे एडवांस चाहिए बाकी के पैसे मिशन कंप्लीट होने के बाद हाउ कैन आई ट्रस्ट यू ट्रस्टिंग मी इज अ ह्यूज रिस्क आपको जरूरत है तो रिस्क लेना पड़ेगा इम्पॉसिबल सिंपली इम्पॉसिबल व्हाट इफ यू फेल व्हाट इफ आई फेल मतलब मैं हारूंगा जावेद तुम जरा इसे समझा दो यमराज से उनकी आयु कोई नहीं पूछता He means business. Let's do this.